हेलो एवरीवन आज हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं उस केस का नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ए के बालाजी और ये 2018 का केस है इस केस में हम जो है इसे बहुत ही इजी वे में समझेंगे तो इसमें जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं इसमें हम अराउंड फाइव इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे तो जो फाइव ईशूज़ है वही इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसमें जो इशू यहाँ पे कंसीडर किया जाता है वो यही होता है कि क्या जो फ़ॉरेन लॉज होती हैं फॉरेन फॉरेन लॉ फॉर्म्स होते हैं लॉयर्स होते हैं क्या इन्हें इंडिया में प्रैक्टिस करना परमिट है तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये मेन इशू है तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे फाइव इश्यूज हमें देखने हैं फाइव क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं तो इस केस में जो पिटिशनर होते हैं वो ए के बालाजी होते हैं जो एडवोकेट होते हैं तो जो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग वो डायरेक्शन इशू इस, इस, करने के लिए पिटिशन फाइल करते हैं रिट पिटिशन फाइल करते हैं तो इसके बाद यहाँ अब हम देखते हैं बारी बारी से हम सारे इश्यूज़ को कंसिडर करेंगे तो पहला इशू ये है कि वेदर द एक्सप्रेशन जो प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ लो जो वर्ड है क्या ये लिटिगेशन के लिए है सिर्फ या लिटिगेशन के साथ साथ नॉन लिटिगेशन प्रैक्टिस के लिए भी है तो अगर हम जनरली देखें कि आपने अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देखे होंगे किसी भी स्टेट के जैसे अगर आप यहाँ पे दिल्ली में तीस हजारी किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोर्ट के अलावा जो है कोर्ट रूम के बाहर भी यहाँ पे बहुत सारे आपने देखे होंगे बहुत सारे वर्क होते हैं ड्राफ्टिंग वर्क होते हैं अलग अलग टाइप के वर्कस होते हैं तो इन सभी वर्क को अगर हम देखें तो इनके अलावा यहाँ पे लिटिगेशन के अलावा और भी वर्क होते हैं जो एडवोकेट करते हैं तो इन सभी के रिगार्डिंग यहाँ पे टू केसेस हैं प्रवीण शाह वर्सेस के ए मोहम्मद अली ये 2001 का केस है इसके साथ साथ यहाँ पे कैप्टन हरीश उप्पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये 2003 का केस है इन दोनों केसेस में ये कहा गया कि जो प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ लॉ ये जो वर्ड है ये अपने साथ साथ लिटिगेशन और नॉन लिटिगेशन दोनों वर्ड को इंक्लूड करता है क्योंकि तो जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि जो लीगल प्रोफेशन है यहाँ पे ये सभी वर्ड को इंक्लूड करता है क्योंकि इसमें जो एथिक एथिक है यहाँ पे उसको भी इंक्लूड किया जाता है तो यहाँ पे जो सारे टाइप के वर्क हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं तो जैसे कि यहाँ पे एथिक ऑफ द लीगल प्रोफेशन अप्लाई नॉट ओनली वेन एन एडवोकेट अपीयर्स बिफोर द कोर्ट द सेम शेल आल्सो अप्लाई टू रेगुलर प्रैक्टिस आउटसाइड द कोर्ट तो जो कोर्ट के आउटसाइड जो प्रैक्टिस हो रही हैं उनको भी इंक्लूड करेगा तो इसीलिए यहाँ पे ये लिटिगेशन प्लस नॉन लिटिगेशन दोनों पर एप्लीकेबल होता है तो पहला इशू हमने कर लिया है आई होप आपको क्लियर होगा अब हम सेकेंड इशू इसमें देखें तो वो ये है कि क्या जो फॉरेन लॉ फॉर्म्स होती हैं या फॉरेन लॉयर्स होते हैं वो बिना किसी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किए परमिसिबल है यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए और यहाँ पे किसकी परमिशन के बिना किसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल किए बिना एडवोकेट एक्ट एंड द बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स तो अभी इस इशू को कंसिडर करते हुए यहाँ पे जो सेकेंड इशू है इसमें कोर्ट ने बोला कि जो प्रैक्टिसिंग ऑफ लॉ है ये जैसे कि अभी हमने बोला ये लिटिगेशन और नॉन लिटिगेशन दोनों के लिए है तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में कहते हैं कि प्रैक्टिसिंग ऑफ लॉ इंक्लूड नॉट ओनली अपीयरेंस इन द कोर्ट बट आल्सो गिविंग ओपिनियन ये एक ओपिनियन भी देता है ड्राफ्टिंग भी इसमें आती है इसमें पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंसिस भी होता है लीगल डिस्कशन भी होता है तो ये सभी नॉन लिटिगेशन जो पार्ट्स होते हैं नॉन लिटिगेशन जो पार्ट्स होते हैं वो भी इसमें आते हैं तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे कि एडवोकेट एक्ट का चैप्टर जो फोर है वो भी इस चीज़ को क्लियर करता है कि एडवोकेट का एनरोलमेंट होना ज़रूरी है और सिर्फ यहाँ पे जो एनरोलमेंट हो रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ये सिर्फ उन्हें प्रैक्टिस के लिए ही नहीं देता बल्कि यहाँ पे यहाँ पे लिटिगेशन नॉन लिटिगेशन दोनों के लिए है बट यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको एनरोल्ड होना ज़रूरी है तो इसके साथ ही यहाँ पे क्या है कि रेगुलेटरी मेकेजम फॉर कंडक्ट ऑफ एडवोकेट अप्लाइज टू नॉन लिटिगेशन वर्क आल्सो द प्रोहिबिशन एप्लीकेबल टू एनी पर्सन इन इंडिया अदर देन एडवोकेट एनरोल्ड अंडर द एडवोकेट एक्ट सर्टनली अप्लाइज टू एनी फॉरनर ऑल्सो तो यहाँ पे फॉरनर्स के लिए भी है इसमें जो है मैं आपको नेक्स्ट uh, इशू से रिलेटेड है बट इसमें जो है मैं आपको बताती हूँ कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको कोर्ट ने ये लिबर्टी दी है उनके पास ये फ्रीडम है कि वह ऐसे केसेस के लिए क्या कर सकती हैं वो अलग से गाइडलाइंस या अलग से कुछ इस तरह के पैरामीटर्स बना सकती हैं कि उन्हें परमिशन देनी है या नहीं देनी है तो ये काफ़ी हद तक उन पर डिपेंड करता है तो ये बिना किसी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल के यहाँ पे एक तरह से जो है परमिशन प्रैक्टिस के लिए नहीं लगाता है ये जो है नेक्स्ट इशू के साथ कंपीट होगा जैसे कि इफ़ नॉट वेदर यहाँ पर जो हमारा थर्ड इशू है इफ़ नॉट यहाँ पे हटाना है वेदर देयर इज़ अ बार ऑन फॉरन लॉ यहाँ पे जो फॉरेन लॉ पे जो है वो क्या एक तरह से बार है आ, या कोई फॉरेन लॉयर्स हैं इन पर लीगल एडवाइस देने के लिए यहाँ पे फॉरेन लॉ के रिगार्डिंग बाय विजिटिंग इंडिया और फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट बेसिस इस बेसिस पे तो यहाँ पे जो है विजिट ऑफ एनी फॉरेन लॉयर ऑन फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट बेसिस मे अमाउंट टू प्रैक्टिस ऑफ इंडिया प्रैक्टिस ऑफ लॉ यहाँ यानी कि जो फॉरेनर है कोई फॉरेन लॉयर है वो इंडिया में आ रहा है या जा रहा है तो दो कंडीशंस होती हैं मान लीजिए कि वो सिर्फ ऐसे ही आ रहा है ओकेजनली घूमने फिरने आ रहा है बट सेकेंड चीज़ क्या हो सकती है तो अगर वो खाली घूमने फिरने आ रहा है तो इसमें ज़रूरत नहीं है कोई कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ता बट अगर वो नेक्स्ट चीज़ ऐसी है कि वो यहाँ पे प्रोफेशनल तौर तो तरीके पे आ रहा है और प्रोफेशनल काम के लिए आ रहा है तो यहाँ पे जो है वो बार हो सकता है किस तरह से यहाँ पे अब देखिए कि अब देखिए अब कैजुअल विजिट फॉर गिविंग एडवाइस मे नॉट बी कवर्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ प्रैक्टिस अगर कैजुअल मीटिंग है तो वो प्रैक्टिस के तौर पे नहीं होगी बट वेदर अ पर्टिकुलर विजिट इज कैजुअल और फ्रिक्वेंट सो एज टू अमाउंट टू प्रैक्टिस यहाँ पे वो प्रैक्टिस के अमाउंट पे होगी अगर वो फ्रिक्वेंटली है फ्रीकुंट है और ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाएगा कि अब इसमें डिटरमाइन किया जाए सिचुएशन टू सिचुएशन देखी जाएगी और इस केस में जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया के पास ये लिबर्टी है कि वो अप्रोप्रिएट रूल इसके रिगार्डिंग बना सकते हैं तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा फोर्थ इशू है फोर्थ इशू वो ये है कि वेदर देयर इज़ नो बार टू फॉरेन लॉ फर्म्स एंड लॉयर फॉर कंडक्टिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स एंड डिस्प्यूट राइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है पहली कंडीशन से आर्बिट्रेरी प्रोसीडिंग्स एंड सेकेंड कंडीशन है इंटरनेशनल कमर्शियली आर्बिट्रेशन अब देखिए आर्बिट्रेशन जो है जनरली यहाँ पे दोनों में है बट आर्बिट्रेशन में दोनों में डिफरेंसेस क्या है अब इसको देखते हैं हम इट इज़ नॉट परमिसिबल ये परमिसिबल नहीं है दैट देर इज एब्सोल्युटली नो बार फॉर अ फॉरेन लॉयर फॉर कंडक्टिंग आर्बिट्रेशन इन इंडिया यानी वो कर सकते हैं अगर वो आर्बिट्रेशन जनरली आर्बिट्रेशन बट जब वो आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल कमर्शियली आर्बिट्रेशन है तो वो अलाउ नहीं होगी अब इसके साथ यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है इफ़ द मैटर इज गवर्न बाय पर्टिकुलर रूल्स एंड रूल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और इफ़ द मैटर अदरवाइज फॉल्स अंडर सेक्शन थर्टी एंड थर्टी ऑफ एडवोकेट्स एक्ट देर इज नो बार टू कंडक्ट सच प्रोसीडिंग्स इन प्रिस्क्राइब अब इसके अलावा यहाँ पे ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है ये इसके फोर्थ इशू के हैं फोर्थ इशू के ही हैं ये दोनों पॉइंट्स तो इसमें यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया समराइज़ करके बता दिया है कि ये जो है अलाउड नहीं है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इनको लेके स्पेसिफिक रूल्स बना सकते हैं तो अब यहाँ पे हम अपना हमारा लास्ट इशू देखते हैं लास्ट इशू यहाँ पे क्या है कि क्या बी ये हमने इसके फैक्ट नहीं करे हैं क्योंकि फैक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये फैक्ट में बी कंपनी का यूज़ हुआ है तो आपको कन्फ्यूजन ना हो मैंने इससे क्लियर कर दिया बिकॉज इसके फाइव इश्यूज ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वेदर बी पी ओ कंपनी इज प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड सर्विसेज आर नॉट कवर्ड बाई द एडवोकेट एक्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स तो इसका यहाँ पे इस केस में क्लियर आंसर नहीं दिया गया तो यहाँ पे क्लियर आंसर के तौर पे क्लियर uh, आंसर के तौर पे सिर्फ ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं तो जैसे कि इसका कंक्लूसिव चीज़ क्या है कि ये फैक्ट और सिचुएशन टू सिचुएशन वैर करता है जैसे कि था बी कंपनीज प्रोवाइडिंग रेंज ऑफ कस्टमाइज एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज एंड फंक्शन ऑफ़ इट्स कस्टमर मे नॉट वॉयलेट द प्रोविजन ऑफ द एडवोकेट एक्ट यानी कि जो उनका एक्ट है वो एडवोकेट एक्ट की जो प्रोविजंस हैं उनको वायलेट नहीं करता तो ओनली इफ द एक्टिविटीज़ इन पिट एंड सब्सटेंस डू नॉट अमाउंट टू प्रैक्टिस ऑफ लॉ तो यानी कि उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो प्रैक्टिस ऑफ लॉ में इंक्लूड नहीं हो रही हैं अगर ये पिट एंड सब्सटेंस में नहीं है तो अब इसके साथ ही इफ़ देर सर्विसेज डू नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमाउंट टू प्रैक्टिस ऑफ लॉ यानी कि उनकी जो सर्विसेज हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रैक्टिस ऑफ लॉ में नहीं आ रही हैं तो एडवोकेट एक्ट अप्लाई नहीं होगा अदरवाइज वो अप्लाई होगा और इसमें जो हमें एक चीज़ समझने की जरूरत है वो ये है जो इम्पोर्टेंट है कि बी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है इसके रिगार्डिंग वो ज्यादा इनके पास है सो so, इसके इसमें इतना ही वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू